So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother earth. And say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to your whole thing is going to be very nice. त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खण्डितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवत्पश्चात् अवापुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोद्वातात् अवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति
sarvam jagadidam tvai layameshyati sarvam jagadidam tvai pratyeti tvam bhumirapo nalo nilo namaha tvam chatvari vaspadani tvam gunatrayatitah tvam vrihatrayatitah tvam kalatrayatitah Vam Vastha Sutosi Nityam Vam Shakti Trayatmakah Vam Yogino Dhyayanti Nityam Vam Brahma Vam Vishnu Vam Rudra Vam Indra Vam Agni Vam Vayu Vam Surya Vam Chandrama Vam Brahma Bhupurva Svarom Karnadin Purva Mucharya, Karnadin Tadantaram, Anuswara Parataraha, Ardendu Lasitam, Karina Vidam, Etatta Manusvarupam, Rakaro Purva Rupam, Akaro Madhyam Rupam, Anuswara Shantarupam, Bindu Rutta Rupam Nada Sammanam Saurita Sandi Paisha Ganesha Vidya Ganaka Rishi Nitre Gayatri Chandaha Om Netaya Namaha Om Ganapataye Namaha Ekadantaya Vidmahe Vakrakshundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat Ekadantam Chaturahastam Pashamanko Shadharanam Radam Chavaradam Hastair Bibhanam Mushaka Dvajam Raktam Lambodaram Shurpakarnakam Raktavasasam Raktagandhanulipangam Raktapushpai Supujitam Bhaktanum Kampilam Devam Jagatakaranam Achutam Ave Bhutam Sushrishtayadav Seha Purushatparam Evam Jayati Yonityam Sayyogi Yoginam Varaha Namo Vratapataye, Namo Ganapataye, Namo Prathampataye, Namaste Su Lambodaraya, Ekadantaya, Vigna Nashine, Shiva Sutaya, Shri Varada Murtaye, Namo Namaha, Sakshat Shri Ganesha, Shagaji, श्री निर्मला देवी नमो नमः संकट नाशनम श्री गणपति स्तोत्रम प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरेन्नित आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडञ्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमंच षष्ठं विकटमेवच सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुमिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा पदन बैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना पादू जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अजय कुमार कुमारी सन्हारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जड़ गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरी ही मारू बज्र की कीले गदा बज्र लय बैरी ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाए के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हे मार दुर शपद राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताती शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही दोहरावो उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह
बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासुर भयंकरे सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टा भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महा महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमानरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककालं पठे नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशक्ति
श्री माता जी की असीम अनुकंपा में आज हम सभी आदि शक्ति के द्वारा निर्मित फरिश्ते जो सामूहिकता में आदि शक्ति का ध्यान करना चाहते हैं, जो अपने परम पिता परमेश्वर से योग करना चाहते हैं, जिनकी आत्मा जागृत है, जो परमात्मा को प्रतिबिंबित करती है हमारे ही बाह्य हृदय के अंदर, जिनकी कुंडलिनी जागृत है, जो श्री माता जी को प्रतिबिंबित करती है हमारे ही नाभि चक्र में। ऐसी सभी दिव्य आत्माएं जिन्होंने अपने आत्म तत्व को जाना, जो अपने स्वयं के मालिक है, जो अपने जीवन की हर घटना को किस तरह से देखना है और कैसे इस मालिक के हाथ में सौंपना है, जो इसे खुद चलाए, क्या सत्य क्या असत्य, क्या अच्छा क्या बुरा, जो सर्वज्ञानी है वो मालिक हमारी आत्मा, हमारा ये जीवन उसको समर्पित है। ऐसी सभी दिव्य आत्माओं को, सभी माँ के फरिश्तों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में, इस ध्यान सत्र में, सबसे पहले सदैव की तरह माँ के सुमुख से आत्मा के विषय में जाने की, श्री गणेश जी की कृपा से हमारी बाई नाड़ी संतुलित में है और दाई भी संतुलन में है, संतुलित है। महसूस करेंगे श्री गणेश चतुर्शीर्ष से कैसे हम बाई ओर से हल्के हो गए, बजरंग बाण से दाया भाग हल्का हो गया। महालक्ष्मी अष्टकम से सुषुम्ना नाड़ी पूरे संतुलन में है, पूरा चित्त सहस्रार पे है, परमेश्वरी के श्री चरणों में निर्विचारिता में
एकदम निर्विचार हो जाएंगे और माँ के अमृत वाणी सुनेंगे। बड़ी द्विधा स्थिति है, लेकिन आना और जाना ये जीवन की परिपाटी है। उसमें हमने क्या पाया सो ही महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आत्मा को प्राप्त करना। एक साहब ने आज पूछा कि सहयोग करने से क्या लाभ होगा, ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए आप मुझे इसको सीधे शब्दों में समझाइए। तो मैंने कहा सारा रामायण कह दिया, लेकिन अब तुम जानना चाहते हो तो एक सर्वसाधारण तुलना से, एनालॉजी से आपको मैं समझाती। जैसे कि एक मोटर कार है, ऐसा ही हमारा जीवन है समझ लीजिए, और परमात्मा ने हमें ये जीवन दे दी। इस कार में एक एक्सेलरेटर है और एक ब्रेक है। अभी हमें मोटर चलाना नहीं आता, तो हम एक तरफ ब्रेक दबा देते हैं तो गाड़ी एकदम ही रुक जाती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो न जाने किस गड्ढे में पहुंच जाती है। तो धीरे 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 हम सीखने लगते हैं किस तरह से हम संतुलन इसका साध लें, और उस संतुलन में हम जान लें कि मोटर चलाना क्या चीज है। जिस वक्त ये संतुलन एकदम सज जाता है और आपके अंदर स्वयं ही इसका पूर्ण विश्वास हो जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हम ड्राइवर हो गए। अब अनजाने भी आप चला रहे हैं, आपका चित्त भी कहीं और हो तो भी आप ठीक से गाड़ी हाँकते हैं, फौरन आप ब्रेक लगा लेते हैं, फौरन आप एक्सेलरेटर दबा देते हैं, इसमें आपको अपने पर प्रश्न करना नहीं पड़ता, बिल्कुल सोचे समझे ही आप गाड़ी चला सकते हैं। और इस प्रकार आपको कोई कह सकता है कि आप बहुत निष्णात बहुत होशियार ड्राइवर भी हैं, लेकिन तो भी आपका जो मालिक है, आपका जो मास्टर है, वो पीछे बैठा है, वो बीच बीच में आपसे कहता है भाई धीरे चलाओ, ज़्यादा चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप इस जीवन के अभी तक मालिक नहीं हैं। ये जीवन जो कि आपने सीख लिया है चलाना, हो सकता है कोई आदमी आपको ज़्यादा रुपया दे तो आप इसे छोड़ के वहाँ चले जाएं, या आप किसी गलत फहमी में पड़ जाएं, या आपको ये लगे कि अगर मैं मालिक ही नहीं हूँ तो इस गाड़ी को क्यों चलाऊं, मैं क्यों ना मालिक हो जाऊं। जब ये इच्छा आपके अंदर आ गई तब समझना चाहिए आप में महालक्ष्मी तत्व की जागृति हो गई, तब आप खोजने लगे, तब आप इस प्रयत्न में हैं कि क्या बात है कि मैं इस जीवन का मालिक नहीं हूं। संतुलन में आप आ गए जब आप धर्म से चल रहे थे, धार्मिक हैं आप, धर्म से रह रहे हैं, संतुलन में चल रहे, लेकिन तो भी अभी आप मालिक नहीं हैं अपने जीवन के। सहयोग से जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद देती है तो आपके अंदर बसी हुई आत्मा आप में प्रकटित होती है और अब आप अपने जीवन के मालिक हो जाते हैं। और ये मालिक अंदर बैठा हुआ अपने अंदर जो ड्राइवर है और एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, तीनों को देखता, और देखता मात्र है और सब चीज चल पड़ती। ये मालिक होना ही सहयोगी होना है। जैसे कि मनुष्य प्रलोभन में फंस करके बहुत बार अनेक गुलामियों में फंस जाता है,
किसी को किसी चीज़ का प्रलोभन है, उसे पसंद नहीं है, वो चाहता नहीं कि उस प्रलोभन में फंसे, वो चाहता नहीं कि गलत काम करे, उसको नफरत है इन चीज़ों से, लेकिन तो भी उसमें ताकत नहीं है कि वो इसको काबू कर ले। बहुत सी बातें वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन हठात उसके मुख से निकल आती और उसे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसी बात क्यों कह दी। उसका अपने जीभ पर काबू नहीं, अपनी रसना पे काबू नहीं, अपने क्रोध पे काबू नहीं, सारे जो षड रिपु हैं वो उसके पैर के नीचे नहीं, उसके सर पे बैठे रहते। लेकिन जब वो अपना मालिक हो जाता है, तो जब क्रोध भी करता है तो अपने पूरे शान में करता है, उसे क्रोध किसी भी तरह अपने बवंडर में नहीं ले पाता, लेकिन वो क्रोध को अपने हाथ में लेकर खेलता है और उसको इस्तेमाल करता है। ये मिल्कियत पाने के लिए आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे जीवन का मालिक। वो देखते रहता है क्या कर रहे हो, करते रहो, जो करना है करते रहो, और जब वो देखता है कि ये आदमी किसी भी तरह से इधर चित्त नहीं दे रहा, तो वो अपना हाथ वहां से उठा लेता है और आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये आत्मा जो हमारे हृदय में बसा हुआ है और जो हमारे सर के ऊपर परमेश्वर की छाया है, उसका प्रतिबिंब स्वरूप है, उस आत्मा को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जब लोग पूछते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप संतुलन में आइए, संतुलन में रहिए, मॉडरेशन में रहिए। कोई है जो इतना बोलेंगे कि आदमी उससे बोर हो जाए, सोचे अब तो समुद्र में ही कूदना पड़ेगा इस आदमी से बचने के, और कोई है वो बोलते ही नहीं, उनको साइलेंट बोर्स कहते हैं, कुछ भी कहिए उनको, कितना भी कहिए वो बोलते ही नहीं। कोई है कि इतना काम करते हैं कि 30-35 साल में ही संसार से भाग जाते हैं, और कोई है कि बिल्कुल ही काम नहीं करते, सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं और घर में बैठे हुए आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं, वो भी संसार से जल्दी ही चले जाते हैं। या तो इस एक्सट्रीम पर है या उस एक्सट्रीम पे है, इस अति पे है उस अति पर है, अति को व्यर्ज करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया था कि बीच में रहने के लिए अति को व्यर्ज करना चाहिए। लेकिन यह संतुलन जब तक हमारे अंदर सत्ता नहीं, तब तक हम उड़ान भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई आदमी चट से पार हो जाता है, इसी में टाइम लगता है, उस पर संतुलन अभी नहीं, जीवन संतुलन आना पड़ेगा तभी ये उड़ान होती है। और जब उड़ान होती है तब जैसे ऐसा आपका चित्त है और ये सारी आपके वॉइड में फैला हुआ है, यहाँ से कुंडलिनी जब ऊपर की ओर ऐसे निकलती है और इस जगह जब वो छेद देती है अपना ब्रह्मरंध्र, तो ये सारा चित्त आपका जो है प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित इस प्रकार होता है कि आप सत्य के प्रकाश में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि एकमेव सत्य जो है वो आप जानते हैं। जैसे यहां बैठे बैठे हम जानना चाहें आज किसी के भी बारे में, तो हम जान सकते हैं कि इस आदमी की क्या हालत है। शुरू शुरू में जब लंदन में कार्य शुरू किया था तो बड़ी मुश्किल हुई हमें, बहुत मुश्किलें हुई। उसमें से एक महाशय जब पार हुए तो उन्होंने कहा, आप कहती हैं कि यहीं बैठे बैठे परमात्मा का टेलीकम्युनिकेशन है और सारा ईथर जो है वो इनलाइटेंड है, तो क्या हम जान सकते हैं कोई सी भी बात? हमने कहा, कहले मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिन से चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनका कोई टेलीफोन आया, क्या बात है?
मैंने कहा ऐसे हाथ करके देखो, तो उन्होंने कहा अजीब बात है, इस जगह बहुत जलन आ रही। मैंने कहा ये सारे चक्र पिता के हैं, ये सारे, और ये उंगली जो है विशुद्धि की है, तो हो सकता है अंग्रेजी, मैंने कहा ही मस्ट बी डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस, यू बेटर टेलीफोन। तो उन्होंने टेलीफोन उठाया, स्कॉटलैंड में उनके पिताजी थे, तो उनकी माँ टेलीफोन पे आई, उनका कि पिताजी कैसे हैं, कहने लगे ही इज डाउन विथ वेरी बैड ब्रोंकाइटिस। जो मैंने शब्द का, जो मैंने वाक्य का, उसी तरह का बिल्कुल वही उन्होंने कहा। तो ये अवाक रह गए कि माँ यहाँ बैठे बैठे हमने कैसे जाना। मैंने कहा भाई तुम नहीं जाना, मैंने तो नहीं जाना। कहले फिर इसका इलाज, मैंने कहा इसका इलाज हम तुम्हें बताते हैं, इसके बंधन बताते हैं कैसे, थोड़े मंत्र बोलो अभी ठीक हो जाएंगे। आधे घंटे बाद उनके माँ का फोन आया कि बड़ी आश्चर्य की बात है, उनका सारा बुखार भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो टहल पहल रहे हैं। और फिर पिताजी से बात हुई, उनका पता नहीं क्या हुआ, तुम्हारे फोन आने के बाद एकदम हमें आधे घंटे में ही आराम आ गया। अब ये कैसे होता है, अपने को इतना आश्चर्य लगता है कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप टेलीविजन पे खड़े हो जाएं तो दुनिया के कोई भी कोने में आप देख सकते हैं कि कलकत्ते में क्या हो रहा है। ये कैसे होता है? अगर किसी देहाती आदमी से जाके बताओ कि भाई देखो ये टेलीविजन, ये जो डब्बा है, इसमें आप दुनिया की सब तरह की चीज़ें देख सकते हो, वो कहेगा रहन दीजिए ऐसे बहुत आए थे आपके जैसे जादूगर लोग, ऐसे कहीं हो सकता है? तो एक डब्बा है क्या, बेकार बातें सिखा रहे हो। लेकिन जब आप उसकी चोटी पकड़ के और उसका कनेक्शन आप लगा देते हैं, तो वो देखने लगता है कि अरे ये तो डब्बा जैसे लग रहा था प्लास्टिक का, इसमें से ये कहाँ से आने लग गए। सो क्या हो गया कि हमारे चारों तरफ फैला हुआ जो ईथर है वो इसको पकड़ लेता है, और अगर आप उसको पकड़ लें आपके रेडियो से या आपके टेलीविजन से, तो आप उसमें बहने वाली ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी, आपने हमें एक बार फिर से सत्य की जानकारी दी, पुनरावृत्ति हुई हमारे ज्ञान और हमारे अनुभव की, कि किस प्रकार से हमारी आत्मा ही हमारा संचालन करती है और उसको करना चाहिए। आत्मा तभी हमारे जीवन को संचालित कर सकती है जब षड रिपु हमारे वश में हो, हमारे सिर पे ना हो, हमारे पैर के नीचे हो, क्योंकि वही आत्मा के विरोधी है। जब ये घटित हो जाता है और हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे भव सागर में फंसे हुए चित्त को ऊपर उठा देती है, हमारा चित्त हमारी आत्मा से प्रकाशित हो जाता है, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके चराचर में फैली, ईथर में फैली परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तब ये वो अवस्था है, यही वो ईथर है जिससे रेडियो, टेलीविजन और हर तरह के ऐसे मोबाइल चलायमान है। यही ईथर हमको सारी जानकारी दे सकता है, किसी भी व्यक्ति विशेष की या स्थान की। इसी ईथर में जाके जब हम आकाश में जाके, हम ईथर आकाश तत्व है, जब आकाश में जाके हमारा चित्त चैतन्य में पूरी तरह लीन हो जाता है,
हम इन सब शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो आइए आनंद लें इस अनुभव का। सबसे पहले श्री गणेश जी को वंदन करें। हे प्रभु, मैं ये जो अपनी आत्मा की यात्रा करने जा रही परमात्मा तक की, इसे निर्विघ्न कर दी। हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, कृपा करें, मेरे कार्य को निर्विघ्न करें, मेरे आध्यात्मिक उत्थान को निर्विघ्न करें। श्री गणेश जी का उत्तर हमें मिल रहा होगा, हमारे मूलाधार पे और हमारे सब चक्रों पे महसूस करें। मूलाधार से लेके हमारे सब चक्रों पे श्री गणेश जी को रीढ़ की हड्डी के अंदर ये प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, मेरे हर चक्र भी आप जागृत हो जाए, विराजित हो जाए और वहां पे स्थित देवी देवताओं को जागृत कर दे। कृपा करें, कृपा करें, पूरे हृदय से प्रार्थना करने, चित्त कहीं भी नहीं, सिर्फ अपने अंदर। श्री गणेश जी हर चक्र पे विराजे, अपने अंदर आ जाएंगे। मूलाधार से सहस्त्रार तक स्वाधिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। श्री गणेश जी बैठ चुके हैं, नमन करके ध्यान को बढ़ाएंगे आगे। अब अपने चित्त को अपने बाएं हृदय में उतार देंगे, अपने ही अंदर जाना है। एकदम फोकस बनाए रखेंगे, अपने बाएं हृदय में उतर जाएंगे, आत्मा को ढूंढेंगे, एक स्पंदन, एक वायु, एक ऊर्जा और एक प्रकाश उतर जाएंगे। उतर जाएंगे बाएं हृदय में, आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा हूं। मेरा चित्त भी मेरी आत्मा में, आपकी कृपा से मैं जीवन का मालिक हूं, दास नहीं। साक्षी हूं मैं जीवन का। माँ, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को इतना शुद्ध कर दीजिए कि इसमें परमात्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब दिख सके। सदैव भोले शंकर यहाँ विराजे रहे। माँ,
कृपा कीजिए, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। हेमा कुंडलनी, कृपा कीजिए, मैं शरीर नहीं, जीवन भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, कदापि नहीं, संतुलन हूँ, न सुख न दुख, न कष्ट न तकलीफ, ये कोई भावना नहीं। शिव हो भोले शंकर को अपने बाएं हृदय में देखेंगे, विराज ही प्रभु, आपको हर पल हर क्षण देखूं मैं, अपने बाएं हृदय में महसूस करेंगे कि प्रभु विराजे या नहीं, कहीं रुष्ट नहीं, शरीर रिक्त है, न काम न क्रोध न वासना, न लोभ न मोह न मद न मत्सर, आत्मा हूँ मैं, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं, अपने चित्त को धीरे से मध्य हृदय में ले आएंगे, माँ जगदम्बा के रूप में विराजे श्री माता जी, समस्त शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ, हमारे मध्य हृदय में अदम्य प्रकाश लिए, ऊर्जा लेके, शक्ति लेके विराजे हैं, नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे मां जगदम्बा, हे जगत जननी, आपने सभी देवी देवताओं की रचना की, हे मां दुर्गा, आपके इस दुर्ग में हम सुरक्षित हैं, सभी नेगेटिविटी से, सभी बीमारियों से सुरक्षित, हेमा जगदम्बा, आपने सृष्टि की रचना की, हर तत्व मेरे हृदय में है, हे परमेश्वरी, आपको मेरा दंडवत प्रणाम, स्वीकार करें, अपने मध्य हृदय में स्थित श्री गणेश
विघ्न हरता श्री गणेश को नमन करेंगे, श्री कार्तिकेय जी को नमन करेंगे, सब राक्षसों से मुक्त करने वाले श्री कार्तिकेय जी, श्री भैरवनाथ जी हर तांत्रिक का दुष्प्रभाव नष्ट करने वाले श्री हनुमान, हमें आकाश तत्व में सहायता करने वाले सबको नमन। सबकी शक्तियां आशीर्वाद स्वरूप हमारे अंदर बह रही है। महसूस करेंगे पूरा चित्त अपने अंदर, हमारे अंदर आ रही है शक्तियां, पूरे शरीर में चित्त रखेंगे, बाया भाग, दाया भाग, मध्य भाग, मां को नमन करके विशुद्धि में आएंगे, आज्ञा पे आएंगे, सहस्त्रार पे आएंगे, श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुमति लेंगे, माँ मुझे आशीर्वादित कीजिए कि मेरा योग श्री सदाशिव से हो जाए, अपना परम चैतन्य मेरे अंदर बहा दीजिए माँ, पूरे शरीर में महसूस करेंगे हर कोशिका में आदि शक्ति का अंश मिसौन जागृत हो गया है, पूरे शरीर माँ के श्री चरणों से निरंतर परम चैतन्य बह रहा है, भीगते रहेंगे उसमें, पूरे शरीर पे गिर रहा है, नमन करके ऊपर चलेंगे अर्धबिंदु चक्र, महसूस करेंगे इसे सर के ऊपर, फोकस बनाए रखेंगे अपने ही ऊपर, फोकस अर्ध बिंदु चक्र सर के ऊपर और ऊपर बिंदु चक्र चित्त उठाते जाएंगे, वलय चक्र जहां दोनों हाथ मिलते हैं और ऊपर आकाश तक जाएंगे, एकाकारिता पूरे आकाश तत्व में चित्त बरसने देंगे, परम चैतन्य को पूरी सृष्टि पे, नदियां पर्वत पहाड़ सागर सब चैतन्य करेंगे, पूरी धरा में चित्त ले जाएंगे, परमेट कर जाएंगे,
पृथ्वी के अंदर। सब नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है, भूमि क्रोध भाग रहा है, शिंग हो रहे, पृथ्वी से दूर जा रहा है। पूरा चित्त पृथ्वी के अंदर समा जाएंगे। चित्त को जल तत्व पे ले जाएंगे, चैतन्य करेंगे, समा जाएंगे जल तत्व में, सागर नदियां झीलें जहां जहां भी जल तत्व। वायु तत्व में आएंगे, वायुमंडल का एक एक कण परमीट कर जाएंगे, शुद्ध कर देंगे हर जगह की वायु को, वातावरण, बिल्डिंग्स, अस्पताल, एयरपोर्ट्स, सब जगह वायु शुद्ध हो रही है। और ऊपर चलेंगे अग्नि तक समा जाएंगे, श्री माता जी इस अग्नि तक विश्व की सारी नकारात्मकता स्वाहा हम सब के जीवन की सारी नकारात्मकता स्वाहा आकाश में आएंगे, पेनिट्रेट करेंगे अंतरिक्ष में आएंगे, सारी गैलेक्सीज, मिल्की वे, सारे प्लैनेट्स, नेबुलास, ऑल द स्टार्स परमीट कर जाएंगे। सभी ग्रहों का आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, जस्ट परमिट सभी ग्रहों में, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो परमिट कर जाएंगे। और ऊपर चलेंगे शून्य सरोवर में, शांति का सागर, क्षमा का सागर, गोते खाएंगे इसमें, क्षमादान मिल रहा है, समा जाएंगे परमात्मा के निराकार स्वरूप में।
हे शिव शंकर, मुझे अपने निराकार स्वरूप में संभालो, एक कर दो मुझे अपने साथ, योग प्रदान कर, अपराधों को क्षमा कर, होने का कार्य था पूर्ण योग, फोकस बनाए रखेंगे, परमात्मा से मिलन हो रहा है, शीश नवाएंगे, निराकार शक्तियों को प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा मैं तेरा ही अंश हूं, मुझे कभी अपने से, अपने चित्त से विलग मत कर, क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना, धीरे धीरे अलग होंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु का इस अनुभव के लिए, अनंत कोटि नमन है प्रभु, आकाश में आएंगे, अंतरिक्ष में आएंगे, धीरे 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 नीचे आते जाएंगे, अपने आप को लाएंगे बहुत संतुलन में, आकाश तक आ जाएंगे, अब यहां से पूरे विश्व में परम चैतन्य फैलाएंगे, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूरा विश्व चैतन्यमय हर जगह परम चैतन्य बरस रहा है, हमारे चित्त से भीग रहा है पूरा विश्व, धीरे धीरे अपने चित्त को अपने देश में लाएंगे, अपने शहर में लाएंगे, उन सभी स्थानों पे ले जाएंगे जहां हमारा आना जाना है या चित्त जाता है, अपने चित्त को इन स्थानों पे जो भी लोग हैं उन सब पे ले जाएंगे, चित्त को अपने पूरे परिवार पे ले जाएंगे, अपने घर पे ले जाएंगे, फोकस बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, पूरे परिवार पे, अपने पति पे, पत्नी पे,
अपने बच्चों पे, अपने घर में रहने वाले सभी लोगों पे, माँ यदि ये शुद्ध है तो हम शुद्ध रहेंगे माँ, हमारा चित्त नहीं बिखरेगा। कृपा कीजिए, अब अपने चित्त को उन सभी व्यक्ति विशेष पे ले जाएंगे जो इस देश को चलाते हैं। परम चैतन्य बरसा देंगे, उनको भी शुद्ध कर देंगे। सारी आधिकारिक बिल्डिंग्स पे ले जाएंगे, सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी कोर्ट्स के जजेस, लॉयर्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेस, जो निरंतर पब्लिक सर्विस में है, उन सब पर माँ जो सीकर है उसे रियलाइजेशन दो माँ, हमारे चित्त से जो नेगेटिव है उसकी नेगेटिविटीज खत्म करो माँ, ताकि वो रियलाइजेशन के योग्य बन सके। बहुत सुंदर कलिकी का कार्य, धीरे धीरे अपने सहस्त्रार पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, माँ अपनी कृपा हम पे निरंतर मनाए रखिए, हमारे चित्त को अपने श्री चरणों में रखिए, हर पल हर वक्त हर क्षण हम आपको महसूस करें अपने भीतर, अपने व्यवहार में, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया में, सब में। धन्यवाद श्रीमती जी, अनंत कोटि अनंत कोटि धन्यवाद है माँ, आपने हमें जो दिया, न भूत हो न भविष्य कभी संभव होगा, अनंत कोटि नमन है मां, अनंत कोटि नमन है, अनंत कोटि नमन। धीरे धीरे आज्ञा से विशुद्धि और मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा हमारी जननी जगत जननी इसी चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे और विश्राम करेंगे। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, इसका बेटा जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, थैंक यू माँ, थैंक यू इसका बेटा, इतनी सुंदर ध्यान यात्रा के लिए, थैंक यू, जय श्री माता जी, 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 सभी को जय श्री माता जी।